तो गाइस ये मेकअप देखने के लिए आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लिए और बेल पर प्रेस कर लिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत जल्दी जल्दी मैं आप सबके लिए वीडियो लाऊंगी, बहुत लेट कर दिया लॉन्ग वीडियो में लाने में। तो यहाँ इनका फेस आप देख सकते हैं तो थोड़ा सा स्पॉट्स भी है, कहीं कहीं इवन स्किन नहीं है इनकी। और कहते हैं नहीं कि मक्खन जैसे स्किन पे तो हर इंसान मेकअप कर लेता, वीडियो बहुत अपलोड हो, लेकिन आपको जैसे कोई डस्ट की स्किन आती है और तो ऐसे इनके फेस पे भी देख सकते हैं ऊपर कट का भी है, कई जगह कट का निशान है और साइड में एक बड़ा सा वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, आप समझ गए होंगे, फेस पे है। तो इस ऐसे स्किन पे करना एक टफ़ होता है ना, ऐसे तो आप लोग बहुत अच्छी अच्छे अच्छे स्किन पे लोग करके दिखा, बहुत अच्छा मेकअप दिखता भी है, लेकिन ऐसे स्किन पे करना बहुत ही टास्क वाली होती है कि जिसमें आपको अच्छा भी दिखाना है और अच्छे कम प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी करना है। और आपको बता दूं कि ये मेरे स्टाफ हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं, बहुत अच्छा सीख रही हैं और इससे पहले भी काफ़ी स्टाफ हमारे सीख के पार्लर भी खोल चुके हैं, कुछ तो भूल चुके हैं, कुछ होते नहीं हैं कि एहसान फरामोश होते उस टाइप के हैं, मगर कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं कि बहुत अच्छा लगता है। और ये अभी भी मेरे साथ जुड़ी हैं कई साल से। और यहाँ पे मैंने इनका किया था पहले सी टी एम करने के बाद मैंने लगाया प्राइमर लगाने के बाद मैंने एच डी प्राइमर लगाया था और उसके बाद मैंने डार्क और लाइट ब्राउन कलर को लेके अच्छे से कट क्रीज किया, जिससे कट क्रीज की सॉरी अच्छे से अप्लाई किया जिससे कि हमारे आई का शेप अच्छे से मुझे दिख पाए। और यहाँ मेरे न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने हेयर स्टाइल बनाई थी, साड़ी ड्रेस भी पहना था, साड़ी डिपिंग भी किया है, उनका हेयर स्टाइल भी बनाया था क्योंकि टाइम बहुत कम था। और ये मेरी स्टाफ है जिनका मेकअप हो रहा है, ये बहुत काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी मेहनती हैं और देख सकते हैं कि फेस पे थोड़ा सा झाई भी है, झाई की प्रॉब्लम भी है। और मैंने इसके बाद क्या किया, ग्लू लगाने से पहले मैंने अच्छे से लाइट मेकअप करने के बाद ग्लिटरी हमने इस पर लगाया है, ग्लू के साथ ग्लू लगाएं उसके बाद ग्लिटर लगाएंगे, अप्लाई करें, बहुत हल्का हल्का मैंने लगाया। इसके बाद भी और भी वीडियो आपको मिलेगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। यहाँ मैं लैक्मे के आईलाइनर का यूज़ कर रही हूँ और आईब्रो के लिए मैंने जेल लाइनर का यूज़ किया था और यहाँ पर आईलाइनर के लिए मैंने लैक्मे का किया है। और आईलैशेस मैंने नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने मस्कारा लगाया था सिर्फ और बहुत कुछ नहीं लगाया था। और उसके बाद हमने कहते हैं ना गाइस कि आप जैसा भी इनको फेस पे अकॉर्डिंग ही आपको मेकअप करना होता है, किसी को बहुत नॉर्मल पतला सा आईलाइनर लगाना होता है, किसी को मोटा लगाना होता है, लेकिन हम लोग एक बार बता देते हैं कि आपके फेस पे कैसा आईलाइनर सूट करेगा ना। जैसे किसी की छोटी आँख है तो मोटे आईलाइनर अच्छे से सूट करेंगे और अगर आप जैसे बड़ी आँखें हैं तो आप पतले लगा लीजिए, है ना। तो यहाँ पे मैंने काजल लगाया, काजल करने के बाद यहाँ पे आँखों को सेट किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे प्राइमर लगाया ही था। उसके बाद आप चाहे तो ऑरेंज कंसीलर लगा सकते हैं, आप चाहे तो स्किन के दो तीन टोन आप डार्क यूज़ कर सकते हैं जो भी इवन स्किन है उसको कवर करने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे 303 भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पे येलो कंसीलर का यूज़ किया है जिससे फेस के पिक्चर ज़्यादा अच्छे से वो हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे ब्यूटी ब्लेंडर नहीं मिल रहा था और मैंने ब्रश से ही मेकअप किया है, देख सकते हैं आप। और देखेंगे ना मेरी पहली वीडियो तो मैंने हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया, यहाँ पर नहीं, यहाँ मैंने ब्रश का यूज़ किया था, जल्दी भी थी और यहाँ देख रहे हैं गिर गया था कंसीलर तो पूरा टूट गया था, मैंने उसको फिर हल्का लाइट शेड मैंने इसी के ऊपर अप्लाई किया है और फेस को अच्छे से मिला रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा ना बहुत ज़्यादा मेकअप है ऐसा वैसा ना, लेकिन अभी लास्ट में देखेंगे बिल्कुल नेचुरल मेकअप। ये देखें कैसा लगा आपको मेकअप, तो प्लीज़ अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।